तो हेलो गाइस, वेलकम टू गौर प्रैक्टिस। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग जॉब डेट निकल के आ रही है, जहाँ पे सभी फ्रेश कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर अपने 10th पास कंप्लीट कर रखी है, डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है इन रिलेवेंट फील्ड्स, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो 50,000 पर मंथ तक यहाँ पे आपकी सैलरी आने वाली है, और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या यहाँ पे आपकी पोस्ट होने वाली है, कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप कर दीजिए आप इस वीडियो को लाइक, और इसके साथ आज वीडियो हम शुरू करते हैं। डार्क चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, जो कि आपका एक पीयूसी सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पार्ट है। सो यहां पे जो आपकी जॉब डेट निकल के आ रही है, वो बेसिकली आपका डिप्लोमा और 10th पास कैंडिडेट्स के लिए निकल के आ रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट को, कि यहाँ पे कौन सी आपकी पोस्ट होने वाली है और क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके लिए चाहिए। सो यहाँ पे आपकी माइनिंग ओवरमैन की पोस्ट होने वाली है, जिसने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखा है विद 60%, वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे पास होना मैंडेटरी है, तो वो कैंडिडेट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैगजीन इंचार्ज, इसके अलावा यहाँ पे सेम फील्ड में मैगजीन इंचार्ज की यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। थर्ड पोस्ट की बात करें, मैकेनिकल सुपरवाइजर, अगर आप डिप्लोमा आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कर रखा है विद 60%, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST वालों के लिए पास होना मैंडेटरी है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें, तो रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपका कंप्लीट होना चाहिए विद 60%, और यहाँ पे मैक्सिमम आपके होने चाहिए। अब बात करें जूनियर माइन सर्वेयर की, तो यहाँ पे आपकी माइनिंग सर्वेइंग में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए विद 60%, और यहाँ पे माइनिंग सिद्धार्थ की बात करें, तो यहाँ पे आपकी 10th पास कंप्लीट होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके पास माइनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन और ये फील्ड्स में अगर आपने अपनी डिप्लोमा या 10th पास कंप्लीट कर रखा है, आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड ये यहाँ पे आपकी बता रखी है कि किस पोस्ट के लिए किस किस जगह पे कितनी वैकेंसी है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। सो आप यहाँ पे सारा चेक कर लेना। एंड जो इस लोकेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन हो जाता है, तो उनको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अप्लाई ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं, बट अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसकी सैलरी की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 पर मंथ तक यहाँ पे आपका पे आउट रहने वाला है, जिसके अंदर आपका मंथली फिक्स आपका 40,000 रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके अदर बेनिफिट्स जो होते हैं, HRA हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली दो स्टेजेस पे होने वाला है। फर्स्ट में यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और यहाँ पे सेकंड में आपका स्किल टेस्ट होगा। फर्स्ट में जो है आपका CBT रहेगा, उसमें आपके सब्जेक्ट होंगे जनरल नॉलेज, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग ट्रेड, और यहाँ रीजनिंग एंड ट्रेड, और यहाँ पे आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट, जो मतलब जिस डिसिप्लिन में आपने जो भी कर रखा है उसकी आपको कितनी नॉलेज है, उसका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा बात करें इसकी क्वालिफाइंग टेस्ट की, तो 40% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स और 30% मार्क्स फॉर SC/ST OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे होना मैंडेटरी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो टेस्ट होगा वो 120 क्वेश्चन से होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पे पूछे जाएंगे। एग्जाम की ड्यूरेशन यहाँ पे 2 घंटे होने वाली है, और यहाँ पे 0.5 की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप कोई रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका एक हाफ मार्क यहाँ पे कट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लोकेशंस बताई हुई है सेंटर्स की, टेस्ट सेंटर्स की, रांची, झारखंड, और यहाँ पे आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा, इन लोकेशंस पे यहाँ पे आपका टेस्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे जो इसका स्किल टेस्ट होगा, जब यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाएगी, उसकी यहाँ पे जो मेरिट निकलेगी, उसमें जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम होगा, वो यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड होंगे। और स्किल टेस्ट में बेसिकली आपकी जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, उसकी कितनी नॉलेज है, उसका वर्क आपको कितना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी स्किल टेस्ट के अंदर रहेंगी। एंड आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं 17 मार्च 2024 से, और फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है 5 अगस्त 2024। सो मेक श्योर अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, तो टाइम से इसके फॉर्म को अप्लाई कर देना। एंड अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। सो आप मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, और वहाँ से जाके इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एंड नाउ अगर आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे इनकी कुछ फीस भी रखी हुई है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली आपके यहाँ पे 100 फीस होने वाली है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और यहाँ पे SC/ST वालों के लिए कोई भी फीस नहीं होने वाली है। एंड ये था यहाँ पे इसका फीस का स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। सो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, कैसे ईमेल आईडी अपने आपको रजिस्टर करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं। एंड दैट इज़ द टुडे गाइस, ये था यहाँ पे NTPC का पूरा नोटिफिकेशन। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आगे पूछ सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग जॉब अपडेट्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।